प्रदेशवासियों की ओर अपने दायित्व का निर्वहन करते समय हमें आज सबसे अधिक विचार अपने युवाओं के भविष्य के लिए करना है। युवा विकास एवं कल्याण। युवाओं के प्रेरणा सूत्र स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, अ ब्रेव फ्रैंक क्लीन हार्टेड करेजियस एंड एस्पायरिंग यूथ इज द ओनली फाउंडेशन ऑन विच द फ्यूचर कैन बी बिल्ट। अर्थात बहादुर स्पष्टवादी साहसी आकांक्षी एवं साफ दिल वाले युवा एकमात्र नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है। इस कारण युवाओं को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए आवश्यकता है युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की, शिक्षा व खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की, कौशल एवं क्षमता को निखारने की, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की। हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ जी द्वारा 29 जून 2024 को संवाद कर जन सेवा के लिए प्रेरित किया गया। माननीय सदस्यों, युवाओं के भविष्य की बात कर रही हूँ, वो तो सुन लीजिए। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं करवाकर हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा करती हूँ।